आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचुरल स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करेंगे, बारबाडोस स्ट्राइप्ड लिली हिपियस्ट्रम स्ट्राइटम। ये आप जो स्ट्रेशंस देख रहे होंगे, इसके कारण इसको स्ट्राइटम कहा गया है, हिपियस्ट्रम स्ट्राइटम। एम्ब्रिलिडेसी फैमिली का ये प्लांट है। इसके अंदर बल्ब पाया जाता है और अंडरग्राउंड होता है वो, और उस बल्ब के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। मित्रों, ये प्लांट रक्त पित्त की समस्या को दूर करता है, तो ये बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में विशेष सहायक होता है। मोन्टानिन, गैलेंथामाइन और लाइकोरिन नाम के केमिकल कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख्यतः इस प्लांट के अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि हाईली मेडिपोटेंट पोटेंसी इनके अंदर होती है। साथियों, इस प्लांट का उपयोग आप घाव को भरने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए कर सकते हैं। इस प्लांट के फांट से, फांट गर्म पानी के अंदर इसके फ्लावर्स को आप डाल दीजिए। जैसे कि आपने 200 ml अगर गर्म पानी लिया है, तेज गर्म पानी कर लीजिए, बॉइल्ड वाटर, उसके अंदर आप 20 ग्राम कलेक्टेड फ्लावर्स के अंदर डाल दीजिए और कंटेनर को ढक के रख दीजिए। जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो उसको आप छान के रख लीजिए, उसको हम इसका फांट कहेंगे। और इस फांट का उपयोग आप घाव को वॉश करने के लिए कर सकते हैं, और उस फांट का उपयोग आप लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कर सकते हैं। ये विरेचक का भी कार्य करती है, पेट को साफ करने का भी कार्य करती है, घाव को भरने का भी कार्य करती है। साथ साथ अगर ट्यूमर पेशेंट है, जिसके शरीर के ऊपर ट्यूमर की ग्रोथ है, ट्यूमरस ग्रोथ है, गांठ हो गई है, तो आप इसके पत्र का और इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो नीचे बल्ब पाया जाता है, बल्ब का डिकॉक्शन बनाकर सेवन भी करा सकते हैं। ट्यूमरस ग्रोथ की इनहिबिट करते हुए बहुत अच्छा कार्य करता है। मित्रों, इस प्लांट के अंदर देखिए फ्लावर कितने देखने में सुंदर हैं। इस प्लांट के अंदर तनाव को दूर करने की, डिप्रेशन को दूर करने की, एंजाइटी जो होती है, तनाव, उसको दूर करने की क्षमता होती है। तो इन सब औषधीय गुणों के लिए आप इसके फांट का सेवन कीजिए। आवश्यकता अनुसार उसमें मीठा करने के लिए आप शहद भी मिला सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इसका अगर आप सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपके तनाव काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा फंक्शन देते हुए हार्ट को मजबूती भी देता है, हार्ट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। मित्रों, ब्लड सर्कुलेशन इसके फांट के सेवन से बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से आपने जाना कि ये प्लांट वुंड हीलिंग करते हुए हमारे घाव को भरता है। इसके अलावा ये प्लांट डिप्रेशन और मानसिक रोगों से हमें बचाता है। इसके अंदर जो नीचे कंद निकलता है मित्रों, उस कंद को आप पका लीजिए, और पकाने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट बचता है, जो उसका डिकॉक्शन बचता है, वो लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत मात्रा में उसके अंदर पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर ज़्यादा मात्रा में वो ले लिया जाए, तो शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी वो कार्य करता है, इसीलिए उसको हम एमिटिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फांट का एक उपयोग और भी है मित्रों। इसके फांट का उपयोग अस्थमा के निराकरण के लिए और ब्रोंकाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए भी आप कर सकते हैं। ये वैसोडाइलेटर का भी कार्य करता है। तो इसके फ्लावर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलिमेंट्स को और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, और मुख्य लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, वुंड हीलिंग के लिए और एमेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए इसके जो नीचे बल्ब निकलता है, उसका आपको उपयोग करना चाहिए। उसी बल्ब के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है, अंडरग्राउंड बल्ब होता है, उसी के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। त्वचा संबंधित अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लीव्स का पेस्ट बनाकर लगा देना चाहिए। ये लीव्स के जो पेस्ट होते हैं, इसमें एंटी फंगल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी सोरियोटिक एक्टिविटी होती है। इस प्रकार से आप इसके लीव्स को भी त्वचा के रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्ब्रिलिडेसी फैमिली की रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, गमलों में आप आसानी से लगा सकते हैं, और औषधीय गुणों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनको ऑर्गेनिकली कल्टीवेट कीजिए, तो आप अपनी हेल्थ के कंजर्वेशन के लिए इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं।
इसके फंड के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता भी होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने की क्षमता होती है, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने की क्षमता होती है, पुराने घावों को भरने की क्षमता होती है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस की समस्या को दूर करने की क्षमता होती है, और अगर गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित डिसऑर्डर्स है तो उसके पेशेंट को भी इसका फंड चमत्कारी लाभ करता है, क्योंकि इसका जो फंड होता है वो रक्त पित्त की समस्या को दूर करता है। जनरली गॉल ब्लैडर का जो बढ़ने का जो क्रम है वो रक्त की पित्त बढ़ने के कारण होता है, तो रक्त पित्त को भी यह दूर करने का विशेष कार्य करता है। इस प्रकार से औषधीय गुणों के लिए आप इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। इसको आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कीजिए, अपने गमलों में लगाइए, घरों की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य भी करेगा और आपकी औषधीय प्रॉपर्टीज होने के कारण आपके स्वास्थ्य का संरक्षण भी करेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जानकारी को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। प्रणाम, नमस्कार।